हेलो फ्रेंड, दाना पानी भी सुधा में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मठरी। ये ना आटे की है और ना मैदे की, ये सूजी से बनी मठरी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। मठरी बनाने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले मसाला रेडी करेंगे। हमने एक मीडियम साइज का प्याज लिया और आधा इंच अदरक, सबको मोटे मोटे भागों में काटा है क्योंकि इसे मिक्सी ग्राइंड में ग्राइंड करना है। इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, एक बॉल में निकाल लूंगी। अब हम यहाँ एक कप सूजी लेंगे। एक कप सूजी में एक मीडियम साइज का प्याज ही डालें। अगर दो कप सूजी है तो दो मीडियम साइज का प्याज डालें। अब इसमें हम हाफ टी स्पून अजवाइन डालेंगे। इसे हम क्रश करके डालेंगे। क्रश करके डालने से फ्लेवर अच्छा आता है, तो मैं सजेस्ट करूँगी तो आप जब भी अजवाइन डालें क्रश करके ही डालें। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून। जो मैंने प्याज और अदरक को ग्राइंड किया था ना, वो डालेंगे। प्याज अदरक को बारीक ग्राइंड करें। सभी को सूजी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सूजी की मठरी बहुत ही क्रिस्पी होती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती है, तो ये अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे प्याज और सारे मसाले को। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून मोयम डालेंगे। मोयम डालने से मठरी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी। मोयम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे सूजी के साथ। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सॉफ्ट डो रेडी कर लेंगे। इसे हम सॉफ्ट डो रेडी करेंगे क्योंकि सूजी पानी बाद में अच्छे से सोक कर लेगा, इसलिए सॉफ्ट डो ही रेडी करेंगे। ये देखिए, डो हमारा रेडी हो गया है। मैं बिल्कुल सॉफ्ट डो रेडी की हूँ क्योंकि ये बाद में हार्ड हो जाएगा। इसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने छोड़ देंगे। 5 से 10 मिनट के बाद कवर हटा रहे हैं। सूजी अच्छे से फूल चुका है। ये देखिए, ये थोड़ा हार्ड हो गया है। इसे ऐसे ही रखेंगे। जैसे कि आप मैदे की मठरी का डो रेडी करते हैं, वैसे ही सूजी के मठरी का भी डो रेडी करेंगे। बस इसे मसल मसल के थोड़ा चिकना कर लेंगे। मठरी के डो को अच्छे से सॉफ्ट कर लिया है। अब हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे, बॉल्स बनाएंगे। जैसा आपको मठरी पसंद हो वैसा बॉल्स बनाएं। बड़ा मठरी रखना चाहते हैं तो बड़ा बॉल्स तोड़े, छोटा मठरी रखना चाहते हैं तो छोटा बॉल्स तोड़े। हमने सारे बॉल्स बना लिया है। अब एक लोई लेंगे, इस तरह से पेड़ा बनाएंगे। पेड़ा बनाते हुए चिपटा कर लेंगे। ये देखिए, एक मठरी हमारी बन के रेडी हो गई है। इसी तरह से दूसरा भी रेडी कर लेंगे। जैसे कि मैदा की मठरी होती है, बस वैसा ही रखेंगे। इस तरह से हम दूसरा ही मठरी रेडी कर लेंगे। सभी मठरी को हम इस तरह से बना लेंगे। ये देखिए, हमारा मठरी रेडी है। यहाँ हमारा तेल गरम हो चुका है। एक टुकड़ा मैं डाल रही हूँ ऑयल में। तेल को ना ज़्यादा गरम रखना है ना ज़्यादा ठंडा, बस मीडियम ही गरम रखेंगे और सारे मठरी को डाल देंगे जितना ऑयल में आ रहा है। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। थोड़ी देर के बाद इसे मैं ऐसी रखूंगी। थोड़ी देर के बाद इसे पलटेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे। बीच बीच में हम मठरी को पलटते रहेंगे। दोनों साइड गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। ये देखिए, मठरी हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे बैच में भी मठरी को तल लेंगे। सुपर क्रिस्पी मठरी बनके रेडी हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हुआ मठरी।